मेहंदी लगा के रखना। ये तो फेमवालों की बात, और आप लोगों की इजाजत हो तो राजनीति की केवल दो लाइन कहूंगा, इजाजत हो तो गाऊं। तो ये बाबा साहब की मंच है, कहना भैया और डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, और आएंगे तुझको लेने, आएंगे तुझको लेने, आएंगे तेरे सजना। तो ये तो फिल्म वालों की बात है, और इधर से सोते वालों की बात क्या है भैया। भगवान जी देख, ये ऐलान आज होगा, ऐलान आज होगा, ऐलान आज होगा। जितने भी कमेटी वाले बैठे हैं एक एक शब्द सुनेंगे कि ऐलान ऐलान आज होगा, ना गुंडा राज होगा। ऐलान आज होगा, ना गुंडा राज होगा। एक रोधियों ऐलान आज होगा और ना गुंडा राज होगा। बहल बहल माया के सर पे, अरे बहन माया के सर पे, बहन माया के सर पे। ऐलान आज होगा और ना गुंडा राज होगा, और बहन माया के सर पे वो दिल्ली का ताज होगा। क्या होगा कमेटी वाले, मैं नेता मानता हूं बहन जी को, क्योंकि बहन जी ने भगवान गुड्डू पंडित जो विधायक का डिवाइस है अपनी कोठी पे अरेस्ट कराया था, अपनी कोठी पे विधायक को बुलाकर और अरेस्ट कराया था गुड्डू पंडित को। नेता उसको मानता हूं, जे नहीं कि तुमने ईडी भेज दी, तुमने सीबीआई भेज दी, तुमने फलाना भेज दिया। बहन जी का शासन था, गुंडे प्रदेश छोड़कर भाग गए थे, और डीएम को जो पता नहीं था कि आज मैं डीएम रहूंगा कल रहूंगा या नहीं रहूंगा। ये बहन जी का शासन था, तुम्हारी तरह दोपलेबाज नहीं। हाँ जी कैसे, इनकी हड्डी हट रही है, इनकी हड्डी हट रही है, सब इज्जत घट रही है, इनकी हड्डी हट रही है, अब इज्जत घट रही है। जो हड्डी हट रही है कि बहन जी को चुप कर दो तो हमारी पिल जाएगी, हम जो चाहे वो कह देंगे। बहन जी को शांत कर रखा है इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने डर के मारा है। तो कहना क्या है, हड्डी कैसे, इनकी हड्डी हट रही है, इनकी हड्डी हट रही है, सब इज्जत घट रही है, और एक छोरी के मारे ये सब रेल की हट रही है, एक छोरी के सभ्य समाज होगा, सब सभ्य समाज होगा। और जो 1100 रुपए भैया हमें देते हैं, 1100 रुपए देते हैं आशीर्वाद की कामना करते हैं। जोरदार ताली, दोबारा की फरमाइश आई है, दोबारा की फरमाइश आई है। इनकी हड्डी हट रही है, सब इज्जत घट रही है, और एक छोरी के सामने सब रेल की हट रही है। और कहना है कि सब सभ्य समाज होगा, सब सभ्य समाज होगा, सब सभ्य समाज होगा, और ना गुंडा राज होगा। सब सभ्य समाज होगा, ना गुंडा राज होगा। और बहल माया के सर पे, बहल माया
के सर पे वो दिल्ली लगाए जी।